हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग है ना प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू गए होंगे, ठीक है ना। जो भी हम वहाँ पे कंसेप्ट किए थे उसको है ना कॉन्स्टेंटली अच्छे से आप लोग किए होंगे, नोट डाउन किए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम है ना जो स्टडी ऑफ गैस लॉ चैप्टर है उसको हम कम्प्लीट खत्म करेंगे, ओके। तो पिछली बार चैप्टर में हम लोग बॉयस लॉ किए थे, है ना, गैस के प्रॉपर्टी का स्टडी किए थे, है ना, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखे थे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, देन वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखे थे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये सारे स्टडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके थे। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग मोस्टली चार्ल्स लॉ करेंगे, गैस इक्वेशंस करेंगे, देन ये चैप्टर आपका कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। तो आई होप आज वाले चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे, ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बॉयस लॉ के बारे में स्टडी किए थे, ओके, और वहाँ पर हम बॉयस लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज वाले चैप्टर में हम लोग चले गए चार्ल्स लॉ पे, ओके। चार्ल्स लॉ में आप लोग से हम कितने पिछले वाले लेक्चर में ना हम प्रेशर और वॉल्यूम का देखे थे रिलेशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर, तो उसको हम लोग बॉयस लॉ बोले थे। और एक और हम वहां पे रिलेशन किए थे वॉल्यूम और टेंपरेचर का रिलेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, वही है ना उसी कॉन्सेप्ट में ना चार्ल्स का स्टेटमेंट था। मतलब बोल सकते हो कि जो स्टडी था ना वॉल्यूम और टेंपरेचर का एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसी को बाद में चल के चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट दिया गया, ओके। देखो इसे स्टेटमेंट क्या है समझना, लेकिन द वॉल्यूम ऑफ, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये थोड़ा सा है ना ओल्ड कन्वेंशन था, इसको हम लोग मॉडर्न कन्वेंशन लाएंगे, और जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कन्वेंशन ना कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन, या इसको हम फर्स्ट मेथड बोल देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 times ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0°C फॉर इच डिग्री सेंटीग्रेड फॉल और राइज इन टेम्परेचर। लिखा हुआ ना फॉर इच डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। देखो हम स्टेटमेंट लिखा हुआ समझने की कोशिश करो, इट मीन्स 0°C पे जो भी वॉल्यूम होगा, सपोज कोई गैस है, उसका 0°C पे जो भी वॉल्यूम होगा, कहाँ पे 0°C पे, उसमें उस वॉल्यूम का 1/273 times या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द वॉल्यूम इंक्रीजेस, ओके, बाय 1/273 times ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस देन वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 1/273 times ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। देखो सपोज हम एक एग्जांपल के थ्रू, पहले एग्जांपल समझो, देन आप लोग फिर से जाना डिफरेंशियल वाले पार्ट पे, आपको एकदम स्मूथली समझ आ जाएगा। सपोज मेरे पास कोई गैस है, मान लो आई थिंक कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि आइडियल गैस क्या, ये क्या है, हम लोग उस वाले पार्ट्स पे नहीं जा रहे। सिंपल तुम लोग एक ड्राई गैस समझो, कोई एक गैस समझ लो, ओके, कोई गैस है एक्स। हम सपोज क्या बोले, 0°C पे, 0°C पे इसका जो वॉल्यूम है वो 273 ml, मान लो 273 ml एट 0°C, द वॉल्यूम इज 273 ml, ओके, ये ओरिजिनल वॉल्यूम था 0°C पे। हम क्या बोले, फॉर इच सेंटीग्रेड इंक्रीज और डिक्रीज, फॉल और राइज इन टेम्परेचर, सपोज हम एक टेम्परेचर लाए 1°C, एक लाए -1°C, एक कहां पे 1, एक कहां पे -1। अब देखना विजुअल है, हम क्या बोले, जब टेम्परेचर 1 से राइज हुआ या टेम्परेचर 1 से क्या हुआ डिक्रीज किया, यदि टेम्परेचर राइज किया तो वॉल्यूम भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, यदि टेम्परेचर क्या हुआ डाउन गया तो वॉल्यूम भी क्या होगा डाउन जाएगा। अब देखना यहां पे 1 centigrade का इंक्रीमेंट है ना, 0 से कहां पे आया 1, दैट इज इंक्रीमेंट इन 1°C। यदि इंक्रीमेंट इन 1°C है तो वॉल्यूम है वो इतने टाइम्स से भी क्या करेगा, देखो ना, देखा और इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज जगह पे कौन आया राइज, डिक्रीज कौन आया फॉल, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखो तो इसका 1, देखो लोगो 273 इंटू कितना 1/273, दैट इज 1 ml, ओके। देखो ना जितना ओरिजिनल था उसका 173 times क्या होगा, 273 times क्या होगा इंक्रीज करेगा। अब देखना 0 से कहां पे आए -1, फॉल किया, क्या किया फॉल किया, तो वॉल्यूम भी इतने टाइम से क्या कर जाएगा फॉल कर जाएगा, दैट इज 273 इंटू कितना 1, ऐसे बोलोगे ना। अब देखो यहां पे क्या जाएगा डाउन जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा ना, मतलब हम बोलेंगे ना कि यहां पे क्या था, यहाँ पे क्या था 0, 1 से इंक्रीज किया ना, यहाँ पे क्या बोलोगे माइनस में चला जाएगा वॉल्यूम, क्या जाएगा माइनस में जाएगा ना, तो इतने टाइम से क्या करेगा उतने, यहाँ पे क्या होगा 1 ml ही आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा 1 ml ही आएगा। तो बोलोगे ना यहाँ पे ये यदि ओरिजिनल था, ये क्या था ओरिजिनल था, तो यदि 1 ml से इंक्रीज किया ना, तो यहाँ पे बाद में कितना हो जाएगा 274 ml हो जाएगा,
ऐसे मत हम क्या बोले इतने टाइम वन से क्या किया इंक्रीज किया, यदि वन से इंक्रीज किया तो ओरिजिनल कितना था 273, यदि वन से इंक्रीज किया तो बाद में कितना हो जाएगा 274, कितना हो जाएगा 274। अब देखना यहाँ पे क्या बोले इतने से डिक्रीज किया क्योंकि टेम्परेचर क्या किया डिक्रीज किया ना, यदि वन से डिक्रीज किया तो बाद में कितना हो जाएगा 272 ml, कितना हो जाएगा 272 ml। ओके देखो यदि आपको ये वाला एग्जांपल क्लियर है तो आपको ये जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या क्लियर हो जाएगा। हम क्या बोले कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी वॉल्यूम है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी वॉल्यूम है, यदि हम उसमें क्या किए कि 1 सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट है या 1 सेंटी है ना ग्रेड का क्या डिक्रीमेंट है, तो जो वॉल्यूम है ना वो 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग चलेगा। इट मीन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ वॉल्यूम इज 273 ml, देन एट 1 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, देयरफॉर द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1 ml एंड द ओरिजिनल वॉल्यूम इज 273, देन द फाइनल वॉल्यूम इज 274 ml। ओके बिकॉज देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ 1 ml, इंक्रीमेंट ऑफ 1 ml, बट एट माइनस 1 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 1 ml, द वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 1 ml टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द ओरिजिनल वॉल्यूम इज 273 ml, therefore the final volume becomes 272 ml, becomes 272 ml. It means the decrement or increment is according to its original volume. The original volume at 0 degree Celsius is 273 ml, therefore the increment according to original volume. Okay, अब एक general question आपके mind में arise होगा, अब कोई एक ऐसा temperature होगा ना, देखो suppose हम क्या लिए -273 degree Celsius, अब देखो -1 पे 1 से decrease किया देखो ना हम क्या बोले -1 पे 1 ml से डिक्रीज किया ना, -1 पे क्या हुआ 1 से डिक्रीज किया, तो इस वाले टेम्परेचर पे कितने से डिक्रीज करेगा, इस वाले टेम्परेचर पे कितने से डिक्रीज करेगा, इतने से डिक्रीज कर जाएगा, कितने से 1 पे 1 से डिक्रीज किया तो -273 पे कितने डिक्रीज करेगा, -273 से क्या करेगा डिक्रीज करेगा। इट मीन्स एट दिस टेम्परेचर द वॉल्यूम बिकम्स जीरो, the volume becomes zero because the volume for each degree celsius the daily decrement of 1 ml यदि हम इसको क्या किए हम generalize कर दिए, then at this temperature the volume decreased by 273 times, therefore the original sorry 273 times, original कितना है 273, then at this temperature the volume becomes zero, the volume becomes zero and this temperature is called absolute temperature, absolute temperature. It means बोल सकते हो ना the temperature, कभी कभी आपको definition पूछ सकता है what is absolute temperature, the temperature at which volume becomes zero is called absolute temperature। अब देखो simply होता क्या ना gas के volume को zero करना I think practically possible नहीं होता, अब तुम देखो ना कि टेम्परेचर को हमको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा -273 टाइम्स, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस टेम्परेचर पे आने से पहले जो गैस है या तो सॉलिड हो जाएगा या तो लिक्विड हो जाएगा, अब तो गैस रहेगा ही नहीं। ओके तो सिंपली है ना कि पूछेगा व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो सिंपली क्या बोलेगा द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस becomes zero is called absolute temperature, and absolute temperature in degree Celsius is -273 degree Celsius. If you want to convert it in Kelvin, in previous lecture I told you the conversion between degree Celsius and Kelvin. Okay, if the temperature is in degree Celsius, then add 273 in them, then the temperature is in Kelvin. If it means this temperature is in degree Celsius and this is called absolute temperature in degree Celsius. If we want to calculate the absolute temperature in Kelvin, then we add 273 in this temperature. It means in Kelvin, absolute temperature is zero Kelvin. Okay, देखो हम फिर से बोल रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को दो अलग अलग पैरामीटर पे कैलकुलेट किया गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज -273 degree Celsius because at this temperature the volume of gas is 0 Kelvin, and if we want to calculate the absolute temperature in Kelvin, then we add
to 73 in degree Celsius and we can find the absolute temperature in Kelvin. इस दोनों को नोट डाउन करो बिकॉज इन एग्जाम यू है ना आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन देन यू कैन इजीली फाइंड दे ओके इस स्टेटमेंट में आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज द स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ओके अब देखो हम थोड़ा सा इसको अब जनरलाइज करेंगे ये ओल्ड कन्वेंशन था हम थोड़ा सा मॉडर्न कन्वेंशन की तरफ मूव करेंगे ठीक है तो मॉडर्न कन्वेंशन में क्या कॉन्सेप्ट था कैसे था उसको हम जनरलाइज करते हैं इसी का थोड़ा सा एक जनरलाइज फॉर्म था अदरवाइज कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था नहीं जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना इसको एक जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे वो क्या बन जाएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ल्स लॉ ओके आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करो ओके तो हम प्रीवियस क्या देखे कि क्या कॉन्सेप्ट था कैसे किए थे ठीक है ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर वगैरह क्या था ठीक है अब देखो जो स्टेटमेंट था इसको हम जनरलाइज फॉर्म करेंगे फिर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था डिफरेंस का उस पर हम आएंगे ओके देखो इसे क्या लिखा देखो लिखा हुआ ना इतने टाइम से इंक्रीज करेगा देन बोल सकते कि किसी भी टाइम पे जो वॉल्यूम है किसी भी टाइम पे जो वॉल्यूम है वो इक्वल टू क्या होगा इनिशियल वॉल्यूम वी नोट क्या मान लिया वॉल्यूम एट टेम्परेचर जीरो इतने क्या बोला 1/273 टाइम से क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज दैट इज 1 + 1/273 देखो तो हम ही बोले ना कि जो वॉल्यूम है वो 1/273 टाइम्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है ओके देखो ठीक है अब देखना लिखो तो लिखोगे वी टी इज इक्वल टू क्या लिखो वी नोट लिखोगे 273 प्लस क्या लिखेंगे 273 देखो नहीं इंक्रीमेंट है ना इससे टी जो इनिशियल टी होगा उससे जाता है ना इनिशियल टी से जो हम जितने से इंक्रीज कर रहे हैं ना 0°C -1 -2 लिखा लिखोगे 273 प्लस टी भाई कितना 273 लिखोगे अब देखना हम क्या लिखे ये जो टी है ना ये डिग्री सेल्सियस में कहां पे डिग्री सेल्सियस में अब पता है ना डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना हो जाएगा केल्विन दैट इज वी टी इज इक्वल टू क्या लिखो वी नॉट क्या लिखेंगे इसको हम टी मान ले कैपिटल टी बाय कितना 273 अब ये जो है ये कहां पे इन केल्विन ये कहां पे इन केल्विन इन कहां पे ये इन केल्विन है अब देखना अब लिख सकते हो ना अब देखो यहां लिख सकते हो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट बाय 273 इनटू टी देखोगे देखो तो लिख सकते हैं यहाँ पे ना लिख सकते हैं देखो सिंपली हम क्या बोले ये जो टर्म था वो कांस्टेंट है और ये भी क्या है कांस्टेंट है दैट इज वी नॉट बाय 273 ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट है ना क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम तो कांस्टेंट है 273 भी क्या है कांस्टेंट है क्या है कांस्टेंट है तो ये मेरे पास एक टर्म आ गया ना अब बोलोगे ना ये एक कांस्टेंट टर्म है जब ये कांस्टेंट टर्म है तो ये जो वी टी है वो कहाँ पे डिपेंड करेगा देखो तो हम ये बोले ना ये एक कांस्टेंट टर्म है यदि ये कांस्टेंट टर्म है तो ये जो VT है वो डायरेक्टली कहां डिपेंड कर रहा है T पे डिपेंड कर रहा है कहां डिपेंड कर रहा है T पे डिपेंड कर रहा है इट मींस बोल सकते हो ना VT मतलब वॉल्यूम एट एनी टाइम मतलब सॉरी वॉल्यूम एट एनी टेंपरेचर मतलब जिससे हम इंक्रीमेंट किए जिससे हम डिक्रीमेंट किए वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कहां पे टेंपरेचर पे कहां डिपेंड करेगा टेंपरेचर पे इट मींस वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब कि कितने से वॉल्यूम इंक्रीज किया या कितने से वॉल्यूम क्या किया डिक्रीज किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके टेम्परेचर के किसके प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के इट मींस लिख सकते हो ना कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर देखो हम फिर से इसको बता रहे हैं अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम चार्ल्स लॉ का मॉडर्न डिफिनेशन भी लिखेंगे ओके क्या लिखेंगे चार्ल्स लॉ का मॉडर्न डिफिनेशन देखो हम यही बोले सिंपल क्या हम ग्राफ ड्रॉ किए देखो जब हम ग्राफ ड्रॉ किए ना तो हम सिंपली क्या बोले वी टी वी नोट वी टी इक्वल टू क्या लिखे वी नोट अब क्या लिखे हम क्या बोले इतने टाइम से इंक्रीज करता है मतलब यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीमेंट किए तो टी बाय कितना 273 तो हम क्या इसको भी जनरलाइज है ना जनरलाइज कर लिए तो क्या लिखोगे तो उसको जनरलाइज करोगे तो क्या बोले ये जो टर्म था ये टर्म क्या बन गया ये क्या था टी कहाँ था डिग्री सेल्सियस में इसको ऐड करके हम लाया केल्विन ने लाया तो ठीक है ना तो ये जो टर्म था ये टर्म क्या है कांस्टेंट है तो वी टी कहाँ डिपेंड किया टेम्परेचर पे इट मींस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो हम जो चार्ल्स लॉ का लिखेंगे मॉडर्न डिफिनेशन वही होगा एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर
फॉर एनी ड्राई गैस, फॉर एनी ड्राई गैस, तो उसको हम एक जनरलाइज्ड टर्म में लाएंगे. ओके, आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन करो. ओके, तो हम क्या देखे थे अभी कि वी टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम क्या है टेम्परेचर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इट मीन्स लिख सकते हो ना कि ना कि किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या टेम्परेचर सिंपली बोल सकते हो. तो आप लोग देखना चार्ल्स लॉ का डेफिनेशन, नोट डाउन करो, करो नोट डाउन. फॉर एनी गैस, फॉर एनी ड्राई गैस, फॉर एनी ड्राई गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, फॉर एनी ड्राई गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, at constant pressure, हम volume और temperature का relation देख रहे हैं. Okay, ठीक है ना. For any dry gas at constant pressure, the volume of gas is directly proportional to its टेम्परेचर. एक बार फिर से मैच कर लेना, क्योंकि हम सारा का सारा जो स्टडी कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं. देयरफॉर हम एक जनरल टर्म क्या लिखे, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर लिए तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इट मींस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इफ प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड द मास ऑफ द गैस ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टेंट. इट मींस फिक्स मास के लिए फिक्स प्रेशर पे जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो टेम्परेचर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इट मींस देखो जो है ना, हम क्या बोले, वॉल्यूम इज डायरेक्शन टू टेम्परेचर, दैट इज वी इक्वल टू क्या लिखोगे, केटी. वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, केटी, क्योंकि यहां पे के क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है. प्रोपोर्शनल क्या है कांस्टेंट है, तो लिख सकते हो. देखो तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से v/t क्या होगा, v/t क्या होगा कांस्टेंट. दैट इज v1/t1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, v2/t2. v1/t1 इक्वल टू क्या लिखोगे, v2/t2. ये क्या है, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है. अब देखो जब हम है ना, जब इस पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे ना, जब इस पे हम बेस न्यूमेरिकल करेंगे तब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि v1/t1 मतलब किसी भी गैस के लिए इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम फाइनल टेम्परेचर इफ प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट. तो ये भी क्या है, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट ही है. तो अब देखना, यदि हम इस पे बेस्ड ग्राफ ड्रॉ करना चाहे कि है ना कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा इफ प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट. आप लोगों को अभी तक ये आइडिया आ गया होगा, ये जो टेम्परेचर हम काउंट कर रहे हैं वो टेम्परेचर कहाँ पे है, इन डिग्री केल्विन, नॉट इन डिग्री सेल्सियस. हम अभी जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो केल्विन के लिए भी करेंगे और डिग्री सेल्सियस के लिए भी करेंगे. कहाँ करेंगे, फॉर केल्विन एंड फॉर डिग्री सेल्सियस भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अब देखो, हम यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें ना, इसका जो ग्राफ का नेचर होगा ना, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा. देखो हम अभी ग्राफ ड्रॉ किए है ना, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन. तो जो वॉल्यूम और क्या है ना टेम्परेचर का जो ग्राफ है इन केल्विन, अब देख लो ना, वी जी इक्वल टू क्या है केटी, यहाँ पे टी कहाँ पे है, इन केल्विन. तो जो वॉल्यूम है वो टी के क्या है डायरेक्टली है, वॉल्यूम क्या है टी के डायरेक्टली है. अब देखना कि जिस वे से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उसी वे से क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक टेबल के थ्रू इसका ग्राफ ड्रॉ करवाया था, तो उसी कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है. कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में किए थे एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है. देखो इट मींस इसका जो ग्राफ होगा ना, इस ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा कि जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है उसका रिलेशन का ग्राफ इस तरह से होगा. अब देखो इस ग्राफ को हम कब ड्रॉ किए, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. इट मीन्स ये जो लाइन है वो लाइन कब ड्रॉ किया गया है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. यहाँ पे जो टेम्परेचर कहाँ पे है, केल्विन में. इफ अगर कोई हमको ग्राफ ड्रॉ करे इन केल्विन, कहाँ करे इन केल्विन, तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा, कुछ हम ग्राफ का इस तरह से है ग्राफ का नेचर. देखो देखो यदि हम है ना ग्राफ ड्रॉ किए वी और टी, यहाँ पे टी जो है ना वो डिग्री सेल्सियस में, कहाँ पे डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ पे डिग्री सेल्सियस में. तो अब देखना यहाँ पे, यहाँ पे ना हम देखना ये जो किसका लाइन था, ये वॉल्यूम का लाइन था ना, ये क्या था. अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, जीरो है ना, यहाँ वॉल्यूम कितना है जीरो. और आप लोग को हम बताए थे कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर था इन डिग्री सेल्सियस कितना था, -273. दैट इज एट -273 वॉल्यूम बिकम्स जीरो. अब देखना बट इन केल्विन क्या था, जीरो डिग्री केल्विन, जीरो पे क्या था वॉल्यूम जीरो था.
आप इससे जस्ट पहले बार देखना, हम पहले पढ़ाए थे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के लिए अलग था और केल्विन के लिए क्या था, अलग था। अब देखना जब डिग्री सेल्सियस था ना तो वो जो वैल्यू था वो कितना था, -273, कितना था -273, बट जब केल्विन था तो केल्विन कितना था, जीरो। इट मींस जीरो केल्विन पे जो वॉल्यूम था वो कितना था, जीरो था। बट यदि हम यही काम किसके लिए करें, डिग्री सेल्सियस के लिए करें, किसके लिए, डिग्री सेल्सियस के लिए, तो कितना होगा -273। इट मींस जब वो पॉइंट जहां पे वॉल्यूम जीरो होगा वो पॉइंट कहां पे होगा, जब टेम्परेचर कितना होगा -273, कितना होगा -273। इट मींस देखो ये टेम्परेचर का लाइन है, अब यहां पे कितना है, जीरो है, यहां कितना है, जीरो है। पता है जीरो से इधर क्या होगा, इधर क्या होगा पॉजिटिव, और इधर क्या होगा नेगेटिव। इट मींस यदि हम इस साइड आए, दैट इज मानो सपोज कोई पॉइंट यहां पे है, ये कितना पॉइंट है -273, तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। इट मींस The point at which या the temperature at which volume becomes zero is called absolute temperature। हम इससे जस्ट पहले आप लोगों को ये बता चुके हैं। तो जो वॉल्यूम का जीरो होना है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में अलग अलग पॉइंट पे अचीव होता है। इन केल्विन वो जीरो पे आता है, बट इन सेल्सियस इट एट -273। इट मीन्स हमको जो लाइन कुछ ऑब्टेन होगा ना वो इस तरह से होगा। तो ग्राफ अभी स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ अभी स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ अभी स्ट्रेट लाइन है, बट दो जो है ना ग्राफ का हल्का सा नेचर क्या हुआ, चेंज हुआ है, क्योंकि जो वॉल्यूम का जीरो होना है वो डिपेंड करता है कि आधर डिग्री सेल्सियस है या आधर केल्विन। ओके, तो चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट में आप लोगों को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चार्ल्स लॉ का जो मोड है ना, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था, है ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना, ये सारे हम पार्ट्स देख चुके हैं। कोई प्रॉब्लम आई थिंक होना नहीं चाहिए। अदरवाइज आप लोग बुक की है ना बुक से गो थ्रू होना, यदि कोई पॉइंट कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग है ना हमसे डायरेक्टली हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट आप लोग क्यों चार्ल्स लॉ का, उस पर बेस्ड हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन हम लोग आगे आएंगे गैस इक्वेशंस पे। ओके, देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे आएंगे। ओके, आप जो लोग जल्दी से इसको क्या करो, नोट डाउन करो, देन हम लोग जस्ट आ रहे हैं आप न्यूमेरिकल वाले सेक्शन पे। ओके, हम लोग चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट देख लिए, ठीक है ना, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, बेसिक सा न्यूमेरिकल है ना, और जो इससे है ना ज़्यादा और भी क्वेश्चंस हम आप लोग असाइनमेंट के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आज लेक्चर खत्म हो जाएगा, आज वाले क्लास में लोग लेक्चर खत्म करेंगे, देन आपको नेक्स्ट लेक्चर जो भी क्लास होगा उसमें हम लोग आपको असाइनमेंट्स देंगे, असाइनमेंट्स ही सॉल्व करवाएंगे क्लास में। ओके, देखो इसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन मास दैट इज मास कॉन्स्टेंट, दैट इज मास कॉन्स्टेंट। हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मास देखो, फॉर ए गिवन मास है ना ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 200 ml, मतलब वॉल्यूम इनिशियल देखो लगा ना, द वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास, गिवन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 200 ml, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 200 ml, कितना कर रहा है 200 ml। इट मींस ये जो वॉल्यूम है वो कौन सा वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डाटा कलेक्ट करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। बोला ना कि ऑक्यूपाई दिस मच ml, वॉल्यूम कितना है 200 ml, एट 37 डिग्री सेल्सियस। इट मींस जो T1 है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, काम कहाँ करेंगे, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, कहाँ पे, केल्विन में। हम बोले थे कि जो V था वो टेम्परेचर के डायरेक्टली था, और वहाँ पे जो टेम्परेचर था उसको हम प्रूव भी किए थे कि वहाँ जो टेम्परेचर था वो केल्विन में था, ना कि डिग्री सेल्सियस में था। दैट इज यहाँ पे क्या करो, 273 क्या करो, ऐड करो, कितना हो जाएगा, जीरो, कितना होगा 310 केल्विन, कितना होगा 310 केल्विन। ये इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल वॉल्यूम था। आगे पढ़ते हैं, टू व्हाट वॉल्यूम मस्ट द गैस हीटेड टू मेक द वॉल्यूम फाइनल, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 500, मतलब गैस को कितना हम हीट करें कि जो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 ml। इट मींस जो V2 है वो कितना हो जाए 500 ml, कितना हो जाए 500 ml, लिखा हो ना कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 ml। इफ प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट, प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट, मतलब हमको T2 चाहिए, मतलब हमको T2 कितना होगा वो चाहिए। देखो क्वेश्चंस पढ़ने के साथ हम ये डाटा कलेक्ट कर चुके हैं कि जो इनिशियल जो गैस था वो 200 ml पे था, और जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 37 डिग्री सेल्सियस था, तो डिग्री सेल्सियस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन, देन वी कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, द केल्विन इज 310 केल्विन। अब लर्न कि कितना हीट किए कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना हो गया, कितना हो गया 500 ml। तो हम किस टेम्परेचर पे उसको हम हीट किए वो हमको टेम्परेचर फाइंड करना है। तो हम क्या बोले कि जो प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वी टी के क्या है डायरेक्टली है, दैट इज लिखे थे ही लिखे थे ना, V1 by T1 is equal to V2 by T2,
V1 by T1 is equal to V2 by T2. आप क्या करो, हर डाटा पुट करो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो V1 कितना है, देखो तो V1 कितना है, V1 मेरे पास 200 है, V1 मेरे पास क्या है 200 है, T1 कितना है 310 है, T1 कितना है 310, V2 कितना है 500 ml, T2 कितना है, आप लोग स्मार्ट टू निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप लोग क्या करो, जल्दी से क्या करो, T2 फाइंड आउट करो, जल्दी से क्या करो, T2 फाइंड आउट करो। अब देखना T2 कितना होगा, देखो ना T2 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, है ना, T2 को कितना लिखोगे, 500 इंटू कितना 310 और कितना लिखोगे 200, गया कितना 2.5, दैट इज 310 इंटू कितना 2.5। अब आंसर फाइंड आउट करो जल्दी से, आंसर आप इज फाइंड, जो टेम्परेचर होगा वो मस्ट बी केल्विन, कहाँ होगा टेम्परेचर, इन केल्विन, कहाँ होगा टेम्परेचर, इन केल्विन। देखो हम कुछ समय कुछ नहीं किए, हम क्या किए, जो डाटा था डाटा को क्या किए, कलेक्ट किए, डाटा कलेक्ट किए, देन हम रिलेशन चेक किए, तो रिलेशन क्या था, V1 by T1 is equal to V2 by T2 according to Chaos law, हम पीछे इसका डेरिवेशन देख चुके हैं। तो बस डाटा पुट करो, आपका जो इनिशियल जो भी निकालना होगा आपको इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। ओके देखो दिल से आप लोग है ना, सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो, हम आप लोग 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग सेकेंड क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा ट्राई जल्दी से देखो। पहले आप डाटा कलेक्ट करो जल्दी से देखो, देखो ये है ना, 450 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड, 450 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जो 27 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस का इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना है 450 ml, इट मींस V1 कितना है 450 ml, V1 कितना है 450 ml है, तो टेम्परेचर कितना है, कितना टेम्परेचर T1 कितना है 27 दैट प्लस कितना 273, तो आई थिंक आप लोग ऐड करो इसको 300 केल्विन, कितना होगा 300 केल्विन, इट मींस 300 केल्विन पे जो गैस कलेक्ट किया गया है उस गैस का वॉल्यूम कितना है 450 ml, कितना वॉल्यूम है 450 ml। अब बोला देखो क्या है, फॉर ए पर्टिकुलर यूज द वॉल्यूम हैज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इट मींस कोई हमको किसी पर्टिकुलर यूज के लिए हम वॉल्यूम हमको कम वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए, तो क्या किया ना 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम उसको क्या किए डिक्रीज किए, क्या किए, जो उसका इनिशियल वॉल्यूम था उसका 1/3 लेके आए, कितना लेके आए 1/3, दैट इज V2 कितना होगा, V2 कितना होगा इनिशियल का 1/3, दैट इज 450 इंटू कितना 1/3, बोला ना कि 1/3 इनिशियल का 1/3, इनिशियल का 1/3, तो कितना हो जाएगा 150 ml, कितना हो जाएगा 150 ml। अब देखो सिंपली आप लोग देख रहे होगे ना कि जो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट है फ्रॉम 450 टू 150, इट मींस इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप ये लोग है ना इजीली ड्राइव कर सकते हो, टेम्परेचर मस्ट बी लोअर नॉट इंक्रीज, बिकॉज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में डायरेक्ट का रिलेशन है, यदि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट का रिलेशन है तो डेफिनेटली वॉल्यूम डिक्रीज किया होगा, क्योंकि वॉल्यूम सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज किया होगा क्योंकि वॉल्यूम क्या किया है डिक्रीज किया, वॉल्यूम क्या किया है डिक्रीज किया, हमको T2 फाइंड करना है, हमको क्या करना है T2 क्या करना है फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करो, फिर से क्या करो, जो स्टेटमेंट है उसको लिख लिए, अब डाटा को क्या करो पुट करो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, वही होगा, देखो ना V1 by T1 इज इक्वल टू क्या होगा V2 by T2। अब देखो V1 कितना है 450, V1 कितना है 450, T1 कितना है 300, T1 कितना है 300, V2 कितना है 150, V2 कितना है 150, और T2 हमको क्या करना है फाइंड करना है, T2 क्या करना है फाइंड करना है, आप लोग निकालो इसको, तो T2 कितना हो जाएगा 300 इंटू 150 भाई कितना होगा 450, 3 टाइम्स और कितना 100, T2 इक्वल टू 100 केल्विन, इट मींस टेम्परेचर को डाउन करके हम लोग 100 केल्विन पे लाए होंगे ताकि मेरा जो गैस है वो इतना वॉल्यूम को क्या करे ऑक्यूपाई करे, बोला ना कि है ना फाइनल टेम्परेचर एट विच द गैस इज लोअर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पे गैस को लाया गया होगा ताकि वो 150 ml वॉल्यूम को क्या करे ऑक्यूपाई करे। देखो आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी फॉर्मेट में होंगे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्वेश्चंस को समझना, यदि आप क्वेश्चन समझ गए तो आप उसको स्मूथली एंड मोर फ्रीक्वेंटली सॉल्व कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम का। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, बस डाटा कलेक्ट करो देन चार्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लो, देन क्या करो वैल्यू पुट करो, आपका आंसर अपने आप हो जाएगा। यहाँ ये बस एक चीज़ का केयर करना है, जो टेम्परेचर है दे मस्ट बी इन केल्विन नॉट इन डिग्री सेल्सियस। ओके नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे गैस इक्वेशन पे, जो गैस इक्वेशन होगा वो कंबाइंड फॉर्म होगा किसका, चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, इट मींस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गैस लॉ यू मस्ट हैव बेटर आइडिया ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, इट मींस यू मस्ट हैव गो थ्रू फॉर थ्रू
फ्रॉम बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ. ओके, हम लोग गैस इक्वेशंस पे आएंगे. गैस इक्वेशन कुछ भी नहीं है, वो क्या किया, बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं, गैस इक्वेशन बोलते हैं. ओके, चलो हम लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करो. ओके, हम लोग अब देखते हैं गैस इक्वेशन. ओके, हम लोग बॉयस लॉ कर लिए, चार्ल्स लॉ किए, हम कह रहे हैं गैस इक्वेशन. देखो तो जो गैस इक्वेशन है, गैस इक्वेशन क्या है ना, गैस लॉ का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है. इट मीन्स जब हम लोग गैस लॉ को क्या करते हैं, गैस लॉ को जब कंबाइन करते हैं, मेरे पास क्या बनता है, गैस इक्वेशन. अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी हम गैस लॉ पढ़े हैं, ठीक है ना, गैस लॉ हम पहले लिखते हैं, देन हम गैस लॉ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. जब हम गैस लॉ को कंबाइन कर लेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन ड्राइव होगा वो क्या होगा, गैस इक्वेशन. क्या होगा, गैस इक्वेशन. देखो इसे हम पढ़े ना गैस लॉ. देखो मेरे पास गैस लॉ क्या था, मेरे पास गैस लॉ था. इस गैस लॉ पे हम लोग गैस इक्वेशन को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे. क्या करेंगे, गैस इक्वेशन को हम लोग ड्राइव करेंगे. देखो गैस लॉ में ना मेरे पास क्या था, बॉयस लॉ. क्या था, बॉयस लॉ. हम लोग बॉयस लॉ पढ़ चुके हैं. बॉयस लॉ में क्या था ना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ये था ना कि टी क्या था, टी क्या था, कॉन्स्टेंट. टी क्या था, कॉन्स्टेंट. जो प्रेशर था वो वॉल्यूम के क्या था, इनवर्सली. प्रेशर क्या था वॉल्यूम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था. ओके, अब देखना दूसरा क्या था, चार्ल्स लॉ. दूसरा क्या था, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या बोला था ना कि पी कॉन्स्टेंट. चार्ल्स लॉ में क्या था, पी कॉन्स्टेंट. जब पी को हम कॉन्स्टेंट किए तो वॉल्यूम क्या था, टेम्परेचर के डायरेक्टली था. वॉल्यूम क्या था, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. क्या था, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. अब देखना जब इस दोनों लॉ को कंबाइन करेंगे तो जो मेरे पास इक्वेशन ड्राइव होगा वो क्या होगा, गैस इक्वेशन. अब देखना ऑन कंबाइनिंग गैस लॉ. अब देखना गैस लॉ में पास दो इक्वेशन है. एक क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना. क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. बात तो बराबर ही है, चाहे वॉल्यूम का प्रेशर या वॉल्यूम प्रेशर में कोई, है ना, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं. ओके, नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली. वॉल्यूम क्या टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब देखना जब इसको आप कंबाइन करोगे ना, जब इसको क्या करोगे, कंबाइन करोगे. देखना यहाँ पर नहीं सकते ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डायरेक्टली टू टेम्परेचर. डायरेक्टली टू टेम्परेचर हम क्या किए, दोनों क्या किए, कंबाइन किए. क्या किए, कंबाइन किए. तो अब इसको लिख सकते हो ना, पीवी इज एडवर्सल टू टेम्परेचर. दैट इज पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. क्या लिखोगे, कॉन्स्टेंट. क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट. इट मीन्स प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का चेंज, मतलब कोई गैस है, कोई गैस है स्पेसिफिक प्रेशर पे, स्पेसिफिक वॉल्यूम पे और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो जो उसका चेंज है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा. आप लोग देखना बुक में आप लोगों को जो गैस इक्वेशंस का स्टेटमेंट देगा वो स्टेटमेंट यही लिखता है कि, है ना, यदि आपको वॉल्यूम का चेंज ऑब्जर्व करना है ना, वॉल्यूम में क्या चेंज है, ठीक है ना, बाय ग्रेजुअल चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर. बस ये स्टेटमेंट है जो गैस इक्वेशंस का स्टेटमेंट है. आप लोग बुक पे जाओ, जो बुक में इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है एकदम एक जनरलाइज फॉर्म में आप लोग को दिया हुआ है. ओके, तो जो पी वी बाई टी इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट है. हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग जो गैस इक्वेशन था, जो गैस लॉ था, मेरे पास दो गैस लॉ था, उस गैस लॉ को हम क्या किए, कंबाइन किए. जब गैस लॉ को कंबाइन किए तो जो मेरे पास जो इक्वेशन ड्राइव हुआ, जो मेरे पास इक्वेशन ड्राइव हुआ, दे आर कॉल्ड गैस इक्वेशन. Because it is derived by gas law, and the gas equation is PV by T is equal to constant. PV by T equal to constant. अब देखो यदि हम इसको, है ना, अब लोग इसको जल्दी से नोट डाउन करना, है ना, इस वाले पार्ट को लिख जल्दी से, है ना. प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ में हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अब देखना यदि हम इस लोगों को थोड़ा सा इसको हम जनरलाइज करेंगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखे, गैस इक्वेशन क्या बोला, पीवी बाई टी क्या है, कॉन्स्टेंट है. पीवी बाई टी क्या है, कॉन्स्टेंट है. यदि पीवी बाई टी कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स, है ना, सपोज कोई गैस है, वो पी वन वी वन एंड टी वन, इनिशियल क्या कंडीशन, पी वन वी वन एंड टी वन. सपोज एनी गैस एक्स इज एट प्रेशर पी वन, वॉल्यूम वी वन एंड टेम्परेचर टी वन. इनिशियल कंडीशन, ये क्या इनिशियल कंडीशन है, है ना. हम चेंज किए After some interval, it, है ना, it becomes, है ना, it, after final interval, after some interval, pressure becomes P2, volume becomes V2 and temperature becomes T2. Okay, देखो pressure का भी change है, volume का भी change है और temperature का भी change है. ये जो change है तो हम क्या बोले, ऑलवेज अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन पी वी बाई टी ऑलवेज कॉन्स्टेंट. दैट इज इनिशियल कितना था, पी वन वी वन बाई कितना था, टी वन. बाद में क्या हो गया, P
P2 V2 by T2 ये क्या है कांस्टेंट है दिस इज कॉल्ड गैस इक्वेशन दिस इज कॉल्ड गैस इक्वेशन देखो आई थिंक गैस इक्वेशन कुछ भी नहीं है हम लोग बस जो क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट गैस लॉ जो भी गैस इक्वेशंस का जो मेरे पास ना कंडीशंस होगा क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करना है दे आर इंपॉर्टेंट तो देखो हम क्या बोले अब जो आप लोगों को जब एग्जाम में फाइनल क्वेश्चन आएगा ना तो फाइनल क्वेश्चन में आप लोगों को बॉयस लॉ का भी क्वेश्चन होगा चार्ल्स लॉ का भी क्वेश्चन होगा और गैस इक्वेशंस का भी क्वेश्चन होगा तो आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि बॉयस लॉ का कंडीशन क्या था चार्ल्स लॉ का कंडीशन क्या था और गैस इक्वेशंस का कंडीशन क्या था जब लोग हम लोग बॉयस लॉ के क्वेश्चन करेंगे ना बॉयस लॉ में हम हमेशा टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे थे इसलिए जब क्वेश्चन करोगे ना क्वेश्चन में आप लोग देख लेना कि यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम P1 V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे P2 V2 ओके नेक्स्ट क्या था चार्ल्स लॉ में क्या था प्रेशर कांस्टेंट था तो वहाँ क्या था रिलेशन V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2 इट मीन्स जब आप लोग देख लेना कि किसी क्वेश्चन में प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे फॉलो करेंगे अब देखना जब गैस इक्वेशन होगा तो हमको क्या होगा पी है ना प्रेशर भी होगा मेरे पास वॉल्यूम भी होगा और मेरे पास क्या होगा टेम्परेचर भी होगा तो इसके जब है ना इस तरह के डाटा क्या होते हैं चेंज होते हैं तो आप लोग गैस इक्वेशंस की क्वेश्चन को सॉल्व करना ठीक है अब लोग देखना गैस इक्वेशन था अब क्या होता है ना कभी कभी ना किसी क्वेश्चन में एक कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लिखा रहेगा एक कंडीशन आता है कभी कभी एसटीपी लिखा रहेगा कभी कभी क्या लिखा रहेगा एनटीपी लिखा रहेगा हम वही देखते हैं कोई कोई ना क्वेश्चन में यदि आपको टेम्परेचर दिया हुआ है प्रेशर दिया हुआ देना आप स्मूथली जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट कभी कभी किसी क्वेश्चन में ना प्रेशर टेम्परेचर नहीं लिखा रहेगा एसटीपी लिखा रहेगा एनटीपी लिखा रहेगा तो एक जनरल टर्म है उसको हम लिखते हैं ठीक है ना क्योंकि क्वेश्चन में आपको जनरल टर्म लिखा रहे है ना प्रेशर टेम्परेचर मेंशन ना किया रहे तो बच्चे क्या होते हैं हाइपोथेटिक क्या दिया नहीं दिया हुआ है तो एक कंडीशन है एसटीपी क्या एनटीपी क्या एक स्पेसिफिक कंडीशन है वो एक फिक्स कंडीशन है वो कभी चेंज करता नहीं है देन हम उसी वाले कंडीशन को चेक करेंगे ओके आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो गैस इक्वेशन भी पूछ सकता है एक्सप्लेन गैस इक्वेशन ओके तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो ओके तो क्या बोले कुछ कंडीशंस आपको दिए रहेंगे है ना उस कंडीशन को समझते हैं ताकि क्वेश्चन में आप इजीली उसको क्या करो सॉल्व आउट कर सकते हो एक कंडीशन था एसटीपी और एक होता है एनटीपी एसटीपी एंड एनटीपी देखो एसटीपी और एनटीपी क्या होता है ना तो अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसका होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर तो एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर तो देखो हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है और लिखा ना प्रेशर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर याद रखना एसटीपी में जो होता है टेम्परेचर होता है जीरो डिग्री सेल्सियस कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस और हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन का हम लोग को पता है कन्वर्जन तो यहाँ पे कितना होगा केल्विन 273 केल्विन कितना होगा 273 केल्विन अब देखना दूसरा जो प्रेशर है कितना होता है प्रेशर यहाँ पे होता है 1 एटमोस्फेयर कितना होता है प्रेशर 1 एटमोस्फेयर इट मीन्स एक स्पेसिफिक कंडीशन है उस कंडीशन में डाटा को हमको अप्रोच करना है तो एक कंडीशन फिक्स करें एसटीपी दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कितना होगा 1 एटमोस्फेयर तो अब देखो ना जहां पे 1 एटमोस्फेयर लिखा हुआ ना तो यहाँ पे आपको 760 mm ऑफ HG भी दे सकता है तो आप लोग कंफ्यूज मत कर जाना हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं एटमोस्फेयर का कन्वर्जन किस में एटमोस्फेयर का कहां पे है ना mm ऑफ HG में पास्कल में है ना बार में देख चुके हैं है ना टॉर में देख चुके हैं तो आपको है ना 1 एटमोस्फेयर के रिगार्डिंग डाटा कुछ भी दे सकता है तो आई थिंक आप लोगों का प्रॉब्लम इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग एटमोस्फेयर का mm ऑफ HG में है ना cm ऑफ HG में बार में कहीं भी हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं तो आप लोग इस चीज को माइंड में रखना इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव द प्रेशर इन 1 एटमोस्फेयर इट कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ mm ऑफ HG एटमोस्फेयर बार और एनी अदर डाटा ओके देन द एनटीपी एनटीपी इज कॉल्ड नॉर्मल टेंपरेचर एंड प्रेशर है ना एट एनटीपी टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस जो कि हम है ना इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मली कितना हम टेम्परेचर मान के चलते हैं कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज 25 प्लस क्या लिखोगे 273 that is 298 Kelvin
atmosphere or must be of one atmosphere, either in atmosphere or in other pressure units. तो आपको ये data exactly पता होना चाहिए कि अब कभी क्या आपको दिया रहेगा है ना 76 mm of Hg, तो आप लोग confused कर जाओ कि यहाँ पे atmosphere तो दिया नहीं हुआ है, अब हम क्या करें. तो इस चीज़ से आपको कोई problem I think नहीं होना चाहिए. ओके, आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करो. हम अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जो हम गैस इक्वेशन देखे, हम गैस इक्वेशन के अभी है ना तीन क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन करेंगे, देन हम लोग जब क्लास आएंगे तो क्लास में हम लोग दो तीन क्वेश्चन और कर लेंगे. ओके, हम लोग तीन क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझो, देन आप लोग को असाइनमेंट मिलेगा. असाइनमेंट में इसके आपको है ना 7-8 क्वेश्चन होंगे, आप लोग उसको इजीली लगा सकते हो. और जो आपके बुक्स के क्वेश्चन है आफ्टर दिस लेक्चर यू कैन इजीली सॉल्व है ना द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ योर रिस्पेक्ट. जो भी आपके पास बुक है उसे क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो. ओके, आप लोग जल्दी इसको नोट डाउन करो. ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन के डाटा को पढ़ो. ए गैस ऑक्यूपाई 700 ml एट STP. ए गैस ऑक्यूपाई 700 ml एट STP. इट मीन्स STP एक कंडीशन है और उस कंडीशन पे गैस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम. गैस 700 वॉल्यूम क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है. अब देखो यदि STP कंडीशन है, दैट इज टेम्परेचर कितना है 0°C, दैट इज 273 K. प्रेशर कितना है 1 atmosphere. प्रेशर कितना है 1 atmosphere, दैट इज ये इनिशियल कंडीशन है. इनिशियल है, हम गैस इनिशियली रहे, गैस इस कंडीशन का इनिशियली है. तो T1 कितना है 273 K. प्रेशर कितना है 1 atmosphere. और देखो तो इस कंडीशन पे वॉल्यूम कितना है मेरे पास, जो वॉल्यूम है वो 700 ml है. वॉल्यूम कितना मेरे पास 700 ml है. ओके, अब देखना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज 600 mm of Hg. अब देखना प्रेशर कहाँ दे दिया हमको 600 mm of Hg, बट STPM क्या पर है 1 atmosphere. बट हम आपको बोल चुके थे कि जहाँ पे 1 atmosphere दिया हो तो वहाँ पे 760 मान के चलो, ये मत दिमाग रखो कि यहाँ पे 760 हो, उससे कोई मतलब नहीं है. तो प्रेशर कितना होगा, इनिशियल प्रेशर कितना है 760 mm of Hg. क्या बोले कि पहचानो कि ये क्वेश्चन किस डाटा पे, आइदर बॉयस लॉ पे या चार्ल्स लॉ पे या गैस इक्वेशन पे. देखो तो यहाँ पे प्रेशर भी चेंज किया है, वॉल्यूम भी चेंज, हमको वॉल्यूम निकालना है. एटमिस कि जो वॉल्यूम का भी चेंज डेफिनेटली हुआ होगा और मेरे पास टेम्परेचर का भी चेंज है. मेरे पास क्या है, टेम्परेचर का भी चेंज है. अब देखो मेरे पास ये सारा डाटा क्या था, मेरे पास ये सारा डाटा मेरे पास इनिशियल डाटा था. सारा क्या था, इनिशियल डाटा था. अब देखो तो फाइनल लिखो तो ये इनिशियल है, मेरे पास क्या इनिशियल है. अब देखना फाइनल, अब देखना फाइनल डाटा, मेरे पास फाइनल डाटा क्या होगा. देखो तो फाइनल मेरे पास क्या होगा, मेरे पास देखो बोला ना व्हेन इट्स प्रेशर इज 600 mm of Hg, मतलब P2 कितना हो गया 600 mm of Hg क्या होगा फाइनल प्रेशर. अब बोला ना एंड इट्स टेम्परेचर इज 15°C एंड इट्स टेम्परेचर इज 15°C, दैट इज T2 कितना होगा 15 + 273. आप लोग ऐड को कितना हो जाएगा है ना 288 K. कितना हो जाएगा 288 K. हम लोग बोल चुके हैं कि जो टेम्परेचर है दे आर मस्ट बी इन कैलविन नॉट इन डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर मस्ट बी इन कैलविन नॉट इन डिग्री सेल्सियस, नॉट इन डिग्री सेल्सियस. अब देखना बोला ना कि हमको वॉल्यूम फाइंड करना, देखा ना फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड दैट इज V2 कितना होगा, V2 कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है. V2 हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. अब देखो कि हम लोग डायरेक्टली गैस इक्वेशन की फॉर्मूला को लिख सकते हैं ना, हम लोग लिखेंगे ना फ्रॉम गैस इक्वेशन, फ्रॉम गैस इक्वेशन, फ्रॉम गैस इक्वेशन क्या लिखोगे P1V1 ओवर क्या लिखोगे T1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे P2V2 ओवर क्या लिखेंगे T2. P1V1 बाय T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे P2V2 बाय T2. आप लोग क्या करो जो भी डाटा है उसको क्या करो फ्रीक्वेंटली क्या करो पुट करो. देखो P1 कितना था मेरे पास, P1 कितना था 760, मेरे पास P1 कितना था 760, मेरे पास V1 कितना था 700 ml, कितना था 700 ml, और मेरे पास कितना था टेम्परेचर 273, कितना था 273 इज इक्वल टू P2 कितना है, V2 कितना है 600, V2 कितना है 600 है ना. V2 क्या करना है, V2 क्या करना है फाइंड करना है, V2 क्या करना है फाइंड करना है. T2 कितना है 288, P2 कितना है 288. आप लोग देखो यहाँ तक कोई डाटा है, आप लोग जो भी डाटा हम लिखे उसमें कोई प्रॉब्लम किया किसी को, जो डाटा हम लिखे उसमें से कोई प्रॉब्लम है किसी को. अब देखना इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है. देखो V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, देन V2 इक्वल टू क्या होगा देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आएगा ना, देन 760 इंटू कितना होगा 700, कितना होगा 700 इंटू क्या होगा 288, ठीक है ना. इसे क्या होगा 273 इंटू क्या लिखोगे 273 क्या लिखोगे 600, क्या लिखोगे 600. इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने तो कितना आंसर आता है इसमें,
सॉल्व कर देता है एंड आप लोग जल्दी सॉल्व करो, हम लोग सॉल्व करते हैं ठीक है ना। 760 इंटू कितना 700 एक 760 कितना है 760 इंटू कितना है 700 इंटू 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 288 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 600। तो जो V2 है V2 मेरे पास है 935.38 इतना ml। आप लोग जल्दी से बार आंसर आप लोग चेक कर लो कि ऐसा आपको इतना आ रहा है कि नहीं। जो देखो हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग क्या किए, जो मेरे पास डाटा था बस डाटा में क्या किए, जो मेरे पास डाटा था उसको हम पुट किए और कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप लोग डाटा पुट करना सीख गए, क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। ओके आई थिंक अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो हम सिंपली क्या बोले, इनिशियली कंडीशन क्या था, वॉल्यूम सेवन हंड्रेड था, एसटीपी था, तो हम लोग एसटीपी का कंडीशन लिख लिए। जो भी एसटीपी का कंडीशन था क्या बोला कि गैस कितना होगा जब प्रेशर कितना होगा गैस 600, तो T2 कितना बोला है 15, तो हमको वॉल्यूम निकालना था। बस हम क्या इक्वेशन में पुट किए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आपको वर्डन लेने की जरूरत नहीं है, डाटा आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा ठीक है। आप लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तब तक हम इसको है ना सॉल्व करते हैं। आप लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। क्या बोला है कि गैस एक्स एट ए प्रेशर ऑफ 750 mmHg, मतलब कि जो इनिशियल प्रेशर कितना है ना 700 750 है ना 38 है, हैज वॉल्यूम है ना 2.57। देखो आप लोग है ना इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनिशियल प्रेशर कितना है, P1 कितना है 750 mmHg है ठीक है ना, और जो टेम्परेचर कितना है T1 कितना है 38 दैट इज 273, ऐड करो कितना हो जाएगा 273 केल्विन और जो प्रेशर है वो कहाँ होता है, प्रेशर किसमें होता है 1 एटमोस्फेयर, क्या है 1 एटमोस्फेयर, बट यहाँ प्रेशर किसमें दिया हुआ एमएम ऑफ एचजी में, तो जो प्रेशर है यहाँ हमें कितना लेना पड़ेगा 760 mm of Hg। कोई डाउट यहाँ तक, आई थिंक कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ओके अब देखना हमको क्या करना है, फाइंड करना है क्या वॉल्यूम, हमको ये T2 है, ये है ना P2 है, क्या V2 है, हमको क्या करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। आप लोग जल्दी से क्या करो, फिर से क्या बोले, फिर से एक कॉन्सेप्ट जो गैस इक्वेशन का ही है, किसका कॉन्सेप्ट है गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। आप लोग क्या करो जल्दी से इसका डाटा पुट करो, डाटा क्या करो पुट करो, P1 लिखोगे ना फ्रॉम गैस इक्वेशन क्या लिखेंगे P1 V1 बाय क्या लिखेंगे T1 इक्वल टू क्या लिखोगे P2 V2 बाय T2 क्या लिखेंगे P2 बाय, देखो P1 कितना है, P1 कितना है 750, V1 कितना है 2.57 है ना, T1 कितना है 311 इज इक्वल टू P2 कितना है 760 कितना है 760 है ना, V2 फाइंड करना है, V2 क्या करना है फाइंड करना है, और T2 कितना है 273 केल्विन। आप लोग यहाँ पे जल्दी से ना वैल्यू पुट करो, यहाँ से सॉल्व जल्दी करो, जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो जो V2 होगा वो 2.22 लीटर हो जाएगा। आप लोग जल्दी से अपना आंसर मैच कर लो, आप लोग जल्दी से अपना आंसर मैच करो इसका।
ठीक है, पूरा होने तक देखो सिंपल सा हम क्या कि जो भी मेरे पास इक्वेशन था बस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं और यहाँ पे कोई और आई थिंक कोई ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, आप लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद से करो, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आई थिंक एक्जेक्टली बराबर ही है, आप लोग जल्दी से सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस इफ द प्रेशर ऑफ गैस ओरिजिनली एट एसटीपी इज डबल्ड एंड इट्स टेम्परेचर इज ट्रिपल। देखो बस एक इक्वेशन बनाना सीखो, इक्वेशन बनाना सीख जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओ। देखो क्या होगा, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम मतलब हमको V2 फाइंड करना है, क्या करना है V2 हमको फाइंड करना है, V2 क्या करना है हमको फाइंड करना है इफ द प्रेशर ऑफ गैस ओरिजिनली एट एसटीपी इज डबल्ड। तो क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रेशर ऑफ गैस ओरिजिनली एट एसटीपी इज डबल, मतलब जो इनिशियल प्रेशर था उसको डबल किया गया, और जो इनिशियल प्रेशर कहां पे था, एसटीपी पे, कहां पे था, एसटीपी पे, इट मींस जो इनिशियल प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेयर, कितना था, 1 एटमॉस्फेयर, इसको डबल किया है, मतलब ये P1 था, इसको डबल किया, इसको क्या किया, डबल किया, दैट इज P2 कितना हो जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर, बोला ना कि इफ द प्रेशर ऑफ गैस ओरिजिनली एट एसटीपी इज डबल, इसको हम क्या किए, डबल किए, एंड इट्स टेंपरेचर इज ट्रिपल, मतलब जो इनिशियल कितना था टेंपरेचर, इसे क्या था टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या किया है, ट्रिपल किया है, मतलब जो T2 है वो कितना हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस, उसी का 3 गुना किया ना, क्या किया, 3 गुना किया, आई थिंक इसमें जाओ इनिशियल केल्विन पे जाओ, सॉरी केल्विन कितना होगा, केल्विन कितना होगा, यहां कितना होगा 273 केल्विन, ओके इसका 3 गुना, दैट इज 3 × 273 केल्विन, डाउट है किसी का तक, क्योंकि इनिशियल क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, बस हम काम किसमें करते हैं, केल्विन में ना, तो उसे केल्विन में जाओ। ओके देखो अब देखना कि इनिशियल टेम्परेचर था है ना, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस इफ द प्रेशर ऑफ गैस इज एसटीपी इज ट्रिपल्ड। अब देखना यदि ये कोई गैस एसटीपी कंडीशन पे है तो उसका वॉल्यूम आपको पता नहीं है, ओके उसका वॉल्यूम पता नहीं है आपको, तो आप थिंक आप लोगों को आइडिया नहीं है, बट इतना याद रखना है डाटा आपको कि यदि कोई गैस एसटीपी पे है, यदि कोई गैस क्या है एसटीपी पे है, तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, कितना करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम को क्या करता है ऑक्यूपाई करता है, हमको V2 फाइंड करना है, अब जल्दी से V2 क्या करो फाइंड करो, जल्दी से क्या करो V2 फाइंड करो, जो डाटा है P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 जल्दी से आप लोग यूज करो और क्वेश्चन कहां से निकालो जल्दी करो। आया कुछ आंसर, आंसर कुछ आया इसका, देखो ना क्या बोला है, वही यूज करो ना, तो सिंपल क्या बोले कि P1 कितना है 1 बोल है ना, वॉल्यूम कितना है 22.4 और T1 कितना है, T1 कितना है 273 है ना, V2 कितना होगा P2 कितना है 2 है ना, V2 हमको फाइंड करना है, T2 के पास कितना है 3 × 273, आप लोग इसको क्या करो सो दिस सॉल्व करो, तो खुद क्या लिखेंगे यहाँ पे, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, देखो इतना मेरे पास 22.4 इंटू 3 इंटू 273 डिवाइडेड बाय कितना, कितना होगा V2 कितना होगा 33.6। आप लोग जल्दी से इसको क्या करो, देखो आपका आंसर इतना आ रहा है या नहीं, आप लोग जल्दी से अपना आंसर चेक करो कितना आपका आंसर आ रहा है या नहीं, आप लोग अपना आंसर चेक करो जल्दी से,
अगर ऐसे देखो यहाँ पे यदि किसी को इस डाटा में प्रॉब्लम है कि ये डाटा हम कहाँ से लाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अभी के लिए क्वेश्चन है ना इसको लर्न करना, क्योंकि है ना आई थिंक जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे ना इसका हम बताएंगे ना, अभी के लिए बस इतना याद रख लो इफ एनी गैस इज एट एसटीपी कंडीशन देन इट ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, देन इट ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, अदरवाइज है ना जब आप लोग बुक से अप्रोच से जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यदि आप वॉल्यूम बता नहीं तो वॉल्यूम भी मान लो, यहाँ वॉल्यूम निकालो, फिर दोनों में क्या करो रिलेशन निकाल लो, क्या करो दोनों में क्या करो रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट बेटर वे टू फाइंड द वॉल्यूम इस है ना आप लोग को ये माइंड रख लो कि ना इफ एनी गैस इज एट एसटीपी कंडीशन देन इट ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। ओके तो आई थिंक ये तीन क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो तो जो भी बुक्स के क्वेश्चन है वो आपको आप इजिली अप्रोच कर सकते हो, तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कुछ नहीं बस हम क्या वहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कि गैस के है ना कुछ कॉन्सेप्ट हैं, देखो तो हम बॉयल्स लॉ के थे चार्ल्स लॉ के थे तो उसी पे थोड़ा सा बेस्ड कॉन्सेप्ट है, उसको हम हल्का सा दे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके तो जो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है और जो मेरे पास चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है थोड़ा सा उसी को सिंप्लीफाइड करेंगे और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को उसके कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे हम एक्सप्लेन करेंगे। इट मीन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मतलब गैस के प्रॉपर्टी को हम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ से क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ओके आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एक बार जल्दी से इसको गो थ्रू हो जाए, हम जो दो तीन न्यूमेरिकल किए उस पर जल्दी से आप लोग गो थ्रू हो। ओके और चेक करो कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके दिन क्या है हम लोग क्या बोले लास्ट पार्ट है आई थिंक थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करो है ना, उसने यदि आपको बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ का कॉन्सेप्ट पता है तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप स्मूथली कर सकते हो। देखो कि हम सिंपल पे क्या बोले ना क्या है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड बिहेवियर ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। देखो पहले हम बॉयल्स लॉ पे आएंगे तो बॉयल्स लॉ क्या बोला ना, बॉयल्स लॉ क्या बोला था कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इट मीन्स आप लोग यही बताया ना कि जब प्रेशर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है डिक्रीज करता है, अब उल्टा करो यदि हम वॉल्यूम को क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज करेगा, यदि हम वॉल्यूम को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा डिक्रीज करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से, देखो कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट सिंपली हम क्या बोले प्रेशर क्या होता है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल कंटेनर ऑफ वॉल पे कितना है ना स्ट्राइक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है ना कितना स्ट्राइक कर रहा है उसमें क्या होता है डिक्रीज, उसमें क्या होगा स्ट्राइक किया तो फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा है ना उसमें क्या होगा फोर्स प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया कितना फोर्स वो अप्लाई कर रहा है उसको क्या बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं। आई देखो होता क्या ना कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल कितना फ्रीक्वेंटली क्या कर रहा है ना उस पर स्ट्राइक कर रहा है, देखो हम क्या बोले गैस मॉलिक्यूल ऐसे आके मूव किया ठीक है ना, और कोई गैस मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गली आके मूव किया जितना ज्यादा फोर्स क्या कर जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा ना उतना ज्यादा क्या होगा वहां पे प्रेशर होगा, पता ना प्रेशर इक्वल टू क्या, देखो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, मतलब जो है ना प्रेशर जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा मतलब गैस मॉलिक्यूल है ना वॉल पे कितना फोर्स है ना कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो उसके फोर्स पे क्या होता है डिपेंड करता है। ये जब एरिया देखो एरिया तो फिक्स होगा क्योंकि एरिया तो चेंज कर देखो बोले ये वॉल है ना ये एक है ना क्या है ना कोई है ना कंटेनर है इसके इस वाले वॉल को मान लिया ठीक है ना, तो हम क्या बोले गैस मॉलिक्यूल आके स्ट्राइक किया फोर्स अप्लाई किया फोर्स किया तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा क्या होगा प्रेशर होगा। अब देखो समझना हम सपोज क्या बोले फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं कि हम यदि प्रेशर को इंक्रीज करा दिए प्रेशर क्या इंक्रीज किए, अब देखो सॉरी वॉल्यूम क्या इंक्रीज किए, अब देखना पहले ये वॉल्यूम था अब वॉल्यूम ज्यादा हो गया, यदि वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा यदि वॉल्यूम क्या हो जाएगा ज्यादा होगा तो गैस मॉलिक्यूल को ना मूव करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। देखो यदि गैस मॉलिक्यूल को मूव करने ज्यादा स्पेस मिल जाएगा ना तो क्या करेगा वो है ना जाके जल्दी नहीं टकराएगा, हम तो क्या बोले यदि हम वॉल्यूम को क्या इंक्रीज किए यदि वॉल्यूम इंक्रीज किया ना तो हम क्या देखो अभी हम क्या बोले इतना वॉल्यूम था अब हम वॉल्यूम को इंक्रीज किए यदि हम वॉल्यूम को इंक्रीज कराएंगे तो गैस मॉलिक्यूल का जो है ना बोलते तो फ्रीक्वेंसी मतलब गैस मॉलिक्यूल है ना उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली आके यहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर पाएगा क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के मूव करने के लिए अब ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, एक ज्यादा स्पेस अवेलेबल है तो दो है ना देन उसका क्या होगा ना वॉल पे स्ट्राइक करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा देखो सिंपली क्या है ना एक ना रूम है इस रूम में हम 100 बच्चा को रख दें तो क्या होगा पूरा कसम कस जाएगा
ठीक है ना, बट हम क्या रूम में दो बच्चा है तो दोनों को इंट्रैक्शन होगा ही नहीं, कोई दोनों को इंट्रैक्शन होगा ही नहीं। तो सिंपल सो ही कॉन्सेप्ट है कि यदि वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, यदि वॉल्यूम को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो जो गैस मॉलिक्यूल है उसकी फ्रीक्वेंसी वॉल पे स्ट्राइक करने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है डिक्रीज कर जाती है। यदि है ना जो गैस मॉलिक्यूल का फ्रीक्वेंसी है ना वॉल पे स्ट्राइक करने का डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली प्रेशर क्या होगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो गैस मॉलिक्यूल का स्ट्राइक करना वॉल पे है ना उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो यदि हम सेकंड वाले पॉइंट से जाए कि यदि प्रेशर को हम डिक्रीज कर, सॉरी वॉल्यूम को क्या कि डिक्रीज कराए, अब देखना यदि वॉल्यूम को तुम डिक्रीज कराओगे, यदि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो हम क्या अभी इतना वॉल्यूम था हम वॉल्यूम को यहाँ पे लेके आ गए, यदि हम वॉल्यूम को सपोज है ना वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, यदि वॉल्यूम यहाँ पे आएगा तो गैस मॉलिक्यूल बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, यदि कंजस्टेड होगा देन उसका फ्रीक्वेंसी वॉल पे स्ट्राइक करने का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स आप चेक कर रहे हो ना कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज कराए थे तो जो गैस मॉलिक्यूल था उसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करने की डिक्रीज कर गई थी, यदि डिक्रीज कर गई तो प्रेशर क्या होगा डिक्रीज करेगा। इट मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम में क्या है इनवर्स का रिलेशन है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लिए, यदि हम वॉल्यूम को डिक्रीज करा दिए, यदि वॉल्यूम को डिक्रीज करा दिए देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस मॉलिक्यूल टू स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर इंक्रीज करेगा, देयरफॉर प्रेशर क्या होगा इंक्रीज करेगा, देयरफॉर प्रेशर क्या होगा इंक्रीज करेगा। ये कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब देखना चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या होता है, यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, यदि हम प्रेशर को क्या किए कांस्टेंट किए, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे ना, जब हम प्रेशर को क्या किए कांस्टेंट किए, प्रेशर को कांस्टेंट करने पे प्रेशर को क्या करें कांस्टेंट किए, तो हम क्या बोले कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या था डायरेक्ट का रिलेशन था, टेम्परेचर वॉल्यूम का क्या था डायरेक्ट का रिलेशन था। अब देखो अब हम फिर से वही क्वेश्चन लिए कि कंटेनर है इसमें क्या गैस फील्ड है, अभी तक इस वॉल्यूम पे है, अभी गैस का वॉल्यूम क्या ये वॉल्यूम है, अभी गैस का वॉल्यूम क्या ये वॉल्यूम है। अब देखो यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए, टेम्परेचर क्या किए इंक्रीज किए, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज किए देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि गैस कितना फास्ट मूव कर रहा है कितना स्लो मूव कर रहा है इट ऑल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस देन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज इट है ना हैव एक्स्ट्रा एनर्जी, तो क्या करेगा दूर दूर जाना चाहेगा, दूर दूर जाना चाहेगा तो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज करेगा। इट मीन्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस देन इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस, देन इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज ए रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, एज रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होगा इंक्रीज करेगा। यदि हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा उल्टा किए, यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कराए, यदि टेम्परेचर डिक्रीज किए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होगा डिक्रीज करेगा, तो जो उसका अपना एक्चुअल स्पीड था वो डिक्रीज करेगा, यदि उसका एक्चुअल स्पीड डिक्रीज किया तो उसका नजदीक आएगा, यदि नजदीक आएगा यदि टेम्परेचर क्या किया डिक्रीज किया तो वॉल्यूम भी क्या होगा डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज करेगा। दिस कॉन्सेप्ट्स आर कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। हम सिंपली क्या गैस की बिहेवियर या प्रॉपर्टी को क्या किए एक्सप्लेन किए अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। आप इसको स्टेटमेंट अच्छे से बुक से देख लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो आपको जो इसके स्टेटमेंट्स आपको बुक में दिए हुए हैं आई थिंक उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आफ्टर डूइंग दिस टॉपिक जो मेरा कंप्लीट चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। ओके तो आई थिंक है ना आप लोगों को यदि कोई भी डाउट हो देन पर्सनली मैसेज मी, कोई भी कहीं भी कुछ भी पॉइंट में डाउट हो आप लोग पर्सनली मैसेज करो, हम लोग आज के क्लास में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको डिस्कस करेंगे, इस प्रॉब्लम के बियॉन्ड भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देन आपको जो असाइनमेंट के फॉर्मेट में आपको इस चैप्टर के है ना फ्रॉम थ्योरी टू न्यूमेरिकल सेक्शंस के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, तो आप लोग उसको गो थ्रू होना। और एक चीज आप लोग क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व करके हमको है ना उसके फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्म बना के आपको ना इमेज के फॉर्म में आप हमको क्या करो उसको सेंड करो, ताकि हम उसके यदि हमको आपको असाइनमेंट देंगे तो उसके आंसर से हम हमको प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहले आप लोग उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करो, देन हम उसका हमको ना प्रॉपर हम संगत तो चेक कर सकते हैं हम प्रॉपर, बट आप लोग क्या करना उसको सॉल्व करके पीडीएफ फॉर्म बना के हमको सेंड करना, देन हम उसका आपको आंसर प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग उसको खुद से एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ओके तो आई थिंक इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट जल्दी से आप लोग है ना नेक्स्ट वीक में या जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का होगा उसमें हम लोग है ना जो भी प्रॉब्लम है ना होगा उसको सॉल्व आउट करेंगे, अदरवाइज यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। ओके थैंक यू।